Hello students. So in our previous class of mathematical induction, हमने कुछ basic concepts समझे थे, जैसे कि what do you mean by reasoning, what do you mean by deductive reasoning, inductive reasoning, है ना? तो induction क्या होता है, mathematical induction क्या होता है, maths का क्यों involvement होता है induction में, और principle क्या है जिसके basis पे हम लोग जो है अपने मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या जो इस अप्रोच से हम बढ़ते हैं, है ना? तो वो उस प्रिंसिपल के बारे में हमने समझा था। नाउ टुडे लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ विच वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो कैसे आपको हेल्प करता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, आपको ये प्रॉब्लम क्या कहता है? फॉर ऑल एन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यू नीड टू प्रूव दैट। व्हाट डू यू नीड टू प्रूव? कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर, समेशन अप टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन प्लस वन, 2n+1 by 6। तो देखो इसमें क्या है कि आपको आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन, 2n+1 by 6, ठीक है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है? अब मैं आपको क्या कहता हूँ, ये जो फॉर्मूला आपको आपने पढ़ा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करके बताओ कि हर वैल्यू जो एन की कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है? नाउ देखो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मैं तो एक एक करके पुट करूंगा आ जाएगा, करेक्ट? लेकिन आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्या है कि आपको एक इंडक्शन का वो प्रिंसिपल लगाना पड़ता है जिसके थ्रू आपको एक एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एन तक जाके आपको चेक करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? अदरवाइज आपको वो चेक करना पड़ेगा तो फिर क्या जरूरत है मैथमेटिक्स पढ़ने का, वो आप जो है डायरेक्टली जो है बेसिक मैथ्स जानते ही हो उसको आप लगा के और उस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक नया टेक्निक हम सीखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे इंडक्टिव थ्योरी के थ्रू, ठीक है? नाउ यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ। जब भी हम लोग फॉर ऑल लिखते हैं ना, तो याद रखो मैथमेटिक्स में फॉर ऑल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? तो इसको हमेशा याद रखना। दूसरी बात, कभी कभी मैं प्रूफ दैट की जगह पे आपको पीटी भी लिखूंगा, तो उससे आपको समझ जाना है कि इट इज प्रूफ दैट, ठीक है? बट ये जो आप ये जो पीटी मैं लिखूंगा इट इज नॉट स्टैंडर्ड, बट ये जो मैंने आपको फॉर ऑल बताया है ना, सो ये जो है आपका फॉर ऑल, ये साइन यूज होता है फॉर ऑल के लिए, तो इसको हमेशा याद रखो, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है? सो यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सो हाउ यू नीड टू राइट, लेट द गिवन स्टेटमेंट, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन सच दैट पी एन स्पेसिफाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, नाउ यू नीड टू चेक आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है। पहले आपको क्या चेक करना है, फॉर एन इज इक्वल टू वन, ओके, सो व्हाट यू विल गेट पी वन, आप किस में पुट करोगे एन इक्वल टू वन, ये आप इसमें पुट कर सकते हो ना, पी वन एन में पुट करोगे, है ना? एन की वैल्यू क्या है, वन है, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, फाइन, इंटू 1+1 इंटू 2 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 6। ये और क्या लिख सकते हो, और
P1, लेफ्ट हैंड साइड तो वन हो गया, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, और P1 वन इज इक्वल टू क्या हो गया, टू थ्री इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स कट गया, वन इज इक्वल टू वन आया, करेक्ट, सो विच इज ट्रू, करेक्ट। नाउ जब पी ऑफ वन पे आपने ट्रू कर लिया है, सो नाउ यू नीड टू, इन योर सेकेंड स्टेप जहां पे इंडक्शन लगता है, यू नीड टू एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, विच वन, के, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब के के लिए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो के, उसके लिए भी ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ सही है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। सो नाउ यू कैन राइट इट लाइक इन द फॉर्म ऑफ के, कैसे लिख सकते हो, के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के के प्लस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, है ना। नाउ Once you have found it, this is your equation number one. Okay. Now, once you have found it, we need to prove that the statement P of n is true for n is equal to k plus 1. Okay. So, in this case, what may happen? सो के प्लस वन के लिए आपको वहां पे के प्लस वन पुट करना है, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस, ये कहां तक जाएगा, के स्क्वायर तक तो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक और आएगा, वो क्या आएगा, के प्लस वन स्क्वायर, फाइन। सो के प्लस वन स्क्वायर जब हम लेते हैं तो क्या आता है, तो इधर पे आपका क्या आ जाएगा, के के प्लस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है, प्लस के प्लस वन स्क्वायर। कैसे आया कि कैसे आया, तो ये इसलिए आया कि इतना जो पोर्शन है आपका, है ना, सो यूजिंग इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन क्या है, देखो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस कहां तक, के स्क्वायर तक जाएंगे, तो ये वैल्यू आती है, तो यहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं के स्क्वायर पे, करेक्ट। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है आपका वैल्यू, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, के के प्लस वन, टू के प्लस वन, ठीक है, प्लस एलसीएम ले लिया मैंने, सिक्स इंटू के प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, फाइन। अब मैं इसको और खोल देता हूं तो क्या आ जाएगा, के, अब ये पूरा इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर, टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस के, ओके, तो थ्री के हो जाएगा, ओके, प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी के प्लस वन, ओके, टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स। इसको और क्या लिख सकते हो, तो यहां पे इसको मैं लिखूं के प्लस वन, यहां पे इसको मैं क्या कर सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं के प्लस वन प्लस वन, ओके, और यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। देखो ये किस फॉर्म में आ गया है, आप देखो ये, इसको अगर हम लोग एन ले, इसको अगर एन प्लस वन ले, और इसको अगर हम लोग क्या ले, टू एन प्लस वन ले, तो एन की वैल्यू हमने क्या पुट की है, के प्लस वन पुट की है, ठीक है, तो हमारा किस फॉर्म में आ गया, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तो इसका मतलब क्या होता है, सो वी कैन राइट के योर दस योर पी के प्लस वन
इज ट्रू व्हेन योर वैल्यू ऑफ पीके इज ट्रू। ठीक है, हमने यही अज्यूम किया था ना कि पीके ट्रू है, तो पीके प्लस वन निकाल के देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं। क्या हुआ? ट्रू हो गया है ना। तो इससे हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं कि यूजिंग द प्रिंसिपल इंडक्शन द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सो देयर फोर योर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स व्हाट एन, है ना, बताया था ना एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन बताया था आपकी प्रॉब्लम, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका प्रूफ बनता है। ठीक है, पहले आप क्या करते हो, एन इक्वल टू वन पे चेक करते हो, फिर एज्यूम करते हो एन इक्वल टू के पे, लेट अस सपोज कि इट इज ट्रू। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, के प्लस वन पे चेक करते हो कि इट इज ट्रू और नॉट। फाइन, नाउ लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट इज योर सेकेंड प्रॉब्लम? इट सेज दैट यू नीड टू प्रूव दैट द 2 raised to n is greater than n for all positive integers n. Positive integers को मैं z plus से दिखाता हूँ, because z जो होता है वो क्या define करता है? Integers, set of integers. ठीक है, हमने जब set पढ़ा है तो उस समय हमने इसके बारे में समझा है कि positive integers z z plus से denote होता है, और set of all integers को हम capital Z से denote करते हैं। ठीक है, तो now it is very easy. अब प्रूफ अगर इसका देखना है तो पहले हम क्या करते हैं, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट सच दैट 2 raised to n इज ग्रेटर देन n। ओके, सो फॉर n इक्वल टू 1 पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 raised to 1 ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये क्या हो गया पी एन की वैल्यू, और वी कैन से दैट पी ऑफ एन है ना के केस में क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1 विच इज ट्रू। पी ऑफ वन तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम लोग को किस पे चेक करना पड़ेगा, सो वी नीड टू एज्यूम, व्हाट वी नीड टू एज्यूम, सो वी नीड टू एज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो आपका पी के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 raised to k greater than 1, सॉरी ग्रेटर देन k, है ना, बिकॉज 2 raised to n ग्रेटर देन n है। ठीक है, 2 raised to k इज ग्रेटर देन k हो गया। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ वी नीड टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पीके इज ट्रू। ठीक है, तो पीके अगर ट्रू होता है तो हमें क्या प्रूफ करना है, पीके प्लस वन ट्रू है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखो इसको क्या करना है ना, किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा पीके प्लस वन को ट्रू करने के लिए। तो हमें अगर ये मिलता है कि 2k+1 इज ग्रेटर देन k+1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। एन की वैल्यू अगर हम लोग के प्लस वन डालेंगे तो 2 raised to k+1 ग्रेटर देन के प्लस वन आना चाहिए। तो इसको हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे ना, कि हम इसको लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है ना, सो यू मल्टीप्लाई कैसे लाएंगे। ठीक है, तो समझो इसको कैसे लाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि भाई कुछ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इसमें अगर मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 2 raised to k+1 इधर हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ना सोचना है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 by 2, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, 2 into 2 raised to k इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 into k, है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 raised to k+1, ये सर्ड्स का है ना, अगर बेस सेम होगा तो इसका पावर 1 है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट विल बी द वैल्यू, 2k, है ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 raised to k+1 इज ग्रेटर देन k+k। फाइन, नाउ यू सी इफ यू अंडरस्टैंड, है ना, नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड
के प्लस के को अगर आप लेते हो, सो इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन के प्लस वन, है ना। कैसे होगी, अगर के की वैल्यू वन डाल दो, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, के प्लस के टू हो जाएगा, वन प्लस वन टू इज ग्रेटर देन व्हाट, टू प्लस वन, ए वन प्लस वन टू, है ना। उसके बाद क्या है कि अगर के की वैल्यू जो है इंक्रीज करो, के की वैल्यू टू डालो, तो टू प्लस टू विल बी ग्रेटर देन टू प्लस वन थ्री, सो फोर विल बी ग्रेटर देन थ्री, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, के प्लस के विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन के प्लस वन, सो देयर फोर ये जो आपका इक्वेशन है टू रेस टू के प्लस वन ग्रेटर देन के प्लस के, इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि टू रेस टू के प्लस वन विल बी ग्रेटर देन के प्लस वन, क्यों, क्योंकि के प्लस के अगर के प्लस वन से ग्रेटर होगा, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे आपका लॉ जो हमने पढ़ा है ना कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन सी हो जाएगा। सो सिमिलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा दोगे, तो देखो यहाँ पे क्या हमें क्या मिला है कि टू रेस टू के प्लस वन इज ग्रेटर देन के प्लस के, और के प्लस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन के प्लस के, है ना, के प्लस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन के प्लस वन, तो टू प्लस के रेस टू के प्लस वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के प्लस वन हो जाएगा। अगर ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ किया कि पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा, दस योर पी रेस टू पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग मैं यहाँ पे आपको जेड प्लस लिख रहा हूँ, आपको पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना चाहिए, ठीक है, इन एग्जामिनेशन, फाइन। नाउ लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम, ओके। ये प्रॉब्लम क्या कहता है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन वी नीड टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इंटू फोर प्लस ये कहाँ तक जा रहा है, 1/n इंटू एन प्लस वन इट इज इक्वल टू n/n प्लस वन, ठीक है। ये एक सीरीज है जो आपको गिवन है, अब इस सीरीज को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू प्रूफ, पहले हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं कि लेट पी एन, है ना, बी द स्टेटमेंट, बी द स्टेटमेंट सच दैट पी एन कैन बी डिफाइंड एज 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इंटू फोर प्लस कहां तक जा रहा है, 1/n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू n/n प्लस वन, ओके। सो नाउ वी नीड टू प्रूव दैट, अगर हम लोग फॉर n इक्वल टू वन रखते हैं तो इसमें पुट कर दो n इक्वल टू वन, तो वन इंटू टू वन प्लस वन, ठीक है, वन इंटू वन प्लस वन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये आपको टू ना लगे, 1/1 प्लस वन इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस वन, है ना, तो इम्प्लाइज पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2, तो क्या हो गया, विच इज ट्रू, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया फॉर पी इक्वल टू वन। नाउ वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू एज्यूम, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वी नीड टू एज्यूम दैट पी के इज ट्रू वेयर एन इज के इज सम पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना, पी के इज ट्रू वेयर के इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जब ऐसी बात होती है तो यहां पे क्या है, पी के इज ट्रू मतलब क्या हो जाएगा, आपका पी पी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस 1/3 इंटू फोर प्लस ये कहां तक जाएगा, 1/n इंटू एन प्लस वन, इट इज इक्वल टू, सॉरी
एन की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, के पुट करनी है ना। तो अगर आप एन की वैल्यू के पुट करते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, के इंटू के प्लस वन, वन बाई के इंटू के प्लस वन, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, के बाई के प्लस वन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हुआ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज ट्रू। तो जब हमारा पीके ट्रू है, हमें प्रूफ क्या करना है कि पीके प्लस वन भी ट्रू होगा। तो पीके प्लस वन प्रूफ ट्रू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन की वैल्यू पे हम क्या कर देते हैं, के प्लस वन की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, वन बाई वन इंटू टू प्लस वन बाई टू इंटू थ्री प्लस वन बाई थ्री इंटू फोर, ये कहां तक जाएगा, एटलीस्ट ये के की वैल्यू तक तो जाएगा ही, है ना। लेकिन इसके बाद एक हमारे पास और वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, के प्लस वन एंड के प्लस वन प्लस वन के प्लस टू, है ना, क्योंकि हम लोग के प्लस वन की वैल्यू तक जा रहे हैं, है ना। इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं, देखो ये वाला पोर्शन हमारा इक्वेशन वन में पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, k बाई के प्लस वन प्लस वन बाई के प्लस वन, सॉरी ये k प्लस वन बाई, है ना, तो k प्लस वन k प्लस टू, ठीक है। अब हम लोग क्या है, कौन से इक्वेशन से ये आपको मिल गया है, इक्वेशन नंबर वन से मिल गया है ना, ये कहाँ से मिला, ये इक्वेशन नंबर वन से मिला है ना। तो इसको हम लोग जो है एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो के इंटू के प्लस टू, ठीक है, ये एलसीएम इसका क्या होगा, के प्लस वन के प्लस टू होगा। तो यहाँ पे के प्लस टू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन के प्लस टू, ठीक है। तो जब हम लोग का एलसीएम निकल गया है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकलने के बाद आपको सिंपल इसमें जो है वैल्यू पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन के प्लस टू, है ना। अगेन अगला क्या हो जाएगा, इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको समझे तो इसको के प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय के प्लस वन के प्लस टू, फाइन। इसके बाद ये एक के प्लस वन कट जाए, कैंसल हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास, के प्लस वन के प्लस टू, ठीक है। और ये जो के प्लस टू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, एन की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में के प्लस वन डालते हो, कौन से इक्वेशन में, जो हमें प्रूफ करनी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, के प्लस वन के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, के प्लस वन बाई के प्लस टू आ रहा है, देखो यहाँ पे के प्लस वन बाई के प्लस टू आ रहा है, सो दस पी के प्लस वन इज ट्रू, दस पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू। तो इससे क्या पता चला, अच्छा ये स्मॉल के है, हाँ, तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मैं वन बाय लेना है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वन बाय लेना है, ओके। तो ये एक मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, तभी तो ये आ रहा है। तो देखो, हम जो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, इससे आज हम कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, देखो कि हमने ये प्रॉब्लम लिया, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि जब इन प्रॉब्लम्स को एग्जाम में बनाओगे तो आपको जो है ना इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखना है कि द गिवन स्टेटमेंट पी एन, सो पी एन को आपको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद जो है आप पी वन, वन एन की वैल्यू वन पे आप पी एन को प्रूफ करो, फिर उसके बाद एज्यूम करो कि पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, देन उसके बेसिस पे जो इक्वेशन आता है उसको लिखो, उसको आप जब एक इक्वेशन नंबर स्पेसिफाई करते हो तो फिर आप पी के प्लस वन को आप ट्रू करने की कोशिश करते हो, ठीक है।
तो पीके प्लस वन को जब आप प्रूव करते हो ना, हर क्वेश्चन में एक यही पैटर्न आता है, इंडक्टिव पैटर्न क्या आता है, यही इंडक्शन है कि पीके ट्रू है तो पीके प्लस वन हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो कब होगा, जब हम लोग जो है इस इक्वेशन का यूज करेंगे जो पीके इक्वल टू ट्रू पे आपको मिला है, ठीक है। तो उसके बाद उसको आप हमेशा एक बात ख्याल रखो कि एन इक्वल टू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एन इक्वल टू के प्लस वन पुट करोगे तो जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ये अगर आपको मिलता है सो डेफिनेटली योर पी के प्लस वन इज ट्रू। और यही चीज हर क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो आपको रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे अगर एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन डिराइव करना है तो कौन से रिलेशंस, मल्टीप्लाई डिवाइड कौन सा करूँ, है ना। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि अब देखो जैसे ये 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 है ना, तो इसको ना हमें यहाँ पे हमें क्या सीखना है एज अ मैथमेटिशियन, हमें सीखना है कि कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज कैसे किया है, देखो 1/n × n+1, तो n × n+1 ही तो हो रहा है। देखो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखो तो 1 हो जाएगा, × n+1 तो 1+1 2 हो जाएगा, तो 1 × 2, या n की वैल्यू 2 है तो 2 × n+1 2+1 तो 2 × 3, तो इसको जनरलाइजेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये भी आपको समझना चाहिए, क्वेश्चंस को बनाते समय इसको ध्यान रखो कि जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है किसी एक इक्वेशन का, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो, ठीक है। ये अगर रखोगे तो फिर इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रॉब्लम्स और देखेंगे कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ